हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली गेट 2020 के जो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपकी आने वाली है, जो कि आपकी कल शनिवार को 28 सितंबर 2019 को लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नॉर्मल फीस के साथ। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंडर फॉर्म को अप्लाई करते हो 28 सितंबर 2019 तक, तो आप यहां पे नॉर्मल फीस के साथ अपने फॉर्म को कंप्लीट करोगे। और अगर आप फॉर्म को फिलअप नहीं करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा। अगर आप उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंडर फॉर्म को अप्लाई करते हो जो कि आपका 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 2019 तक रहेगा, अगर आप इस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंडर फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे ईच कैटेगरी वाइज 500 रुपीज एक्स्ट्रा फ्रेंड्स पे करना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, कैसे फोन से रिसर्च करके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, वो हमने पहले से फ्रेंड्स वीडियो में डिस्कस कर रखा है। जल्दी से अपने फॉर्म को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपका एरर आ रहा है जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो आप यहाँ पे रुक जाए, 12 या फिर 1 बजे आज रात को कंप्लीट फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, रात में उसकी साइट आपकी वर्क करेगी। अभी हैवी ट्रैफिक लोड की वजह से मे बी आपको कोई एरर आए, या फिर भी अगर आपको रात को एरर आता है तो आप देर तक वहां पे रुकेंगे, या फिर 28 सितंबर अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, आपका फॉर्म फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे वेट करें एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का तो वो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी चॉइस रहेगी। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं उनको यहाँ पे आईआईटी दिल्ली की तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज आया होगा कि उन्होंने जो फॉर्म को कंप्लीट किया था वो आपके यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है, या फिर अगर कोई कमी आपकी रह गई है फोटो सिग्नेचर में उसको आपको कैसे इंप्रूव करना है वो हम इस वीडियो में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ पे गेट 2020 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम जो भी डाउट्स आती हैं उन डाउट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेल ओपन कर लेते हैं जो आईआईटी दिल्ली की तरफ से अभी अभी फ्रेंड्स रिसीव हुई है। अगर आपको अभी तक मेल रिसीव नहीं हुई है तो आप यहाँ पे ये ना सोचे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आप थोड़ा सा वेट कर ले, आपको भी करेक्टली जो मेल है वो फ्रेंड्स रिसीव हो जाएगी। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो किस कारण से आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड नहीं है उसकी मेल आपको डायरेक्टली आपके रजिस्टर मेल आईडी पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मेल ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6:05 में यहाँ पे हमको मेल डायरेक्टली आईआईटी दिल्ली की तरफ से आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली जो स्टेटस है यहाँ पे, जो हमने फॉर्म को अप्लाई किया था इस एनरोलमेंट आईडी के साथ वो यहाँ पे सक्सेसफुली फ्रेंड्स एक्सेप्टेड हो चुका है। हमने कंप्लीट फॉर्म को फोटो सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट था कंप्लीट फोन से अच्छे तरीके से रिसाइज किया था। आप ये गैस नहीं वहां पे लगा सकते थे कि ये जो हमने फोटो को रिसाइज किया, सिग्नेचर को रिसाइज किया और डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से रिसाइज किया, आप ये वहां पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, कोई भी डिफ्रेंसिएशन आप नहीं वहां पे कर सकते कि आपने यहाँ पे ये स्कैनर से किया या फिर फोन से किया हुआ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीटली एक्सेप्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे सिमिलरली फ्रेंड्स आपको भी ऐसे ही फॉर्म को कंप्लीट करना है अगर आपने अभी तक फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया है। तो जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिसीव हुआ कि फोटो या फिर सिग्नेचर की वजह से उनका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, उनको दोबारा से अपना फोटो सिग्नेचर या फिर जो जिस भी कारण से आपका फॉर्म नहीं हुआ है वो आपको फ्रेंड्स दोबारा से अच्छे तरीके से अपलोड करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिजेक्शन की वजह से, यानी कि आपको फोटो सिग्नेचर किसी की वजह से आपको यहाँ पे आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में एक बार सुजेशन मेरे से आप ले लोगे कि दोबारा आपको कैसे फ्रेंड्स अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स ये था लेटेस्ट अपडेट जो आईआईटी दिल्ली की तरफ से अभी अभी मेल आई है कि आपने जो फॉर्म को अप्लाई किया था वो आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड हुआ है या फिर किस वजह से नहीं हुआ है और दोबारा आपको उसके लिए क्या करना है वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आती है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे रिसाइज नहीं होता तो डायरेक्टली फ्रेंड्स आप यहाँ पे आपको मेल आईडी डायरेक्टली चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, उस मेल आईडी पे आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करेंगे। विद इन 5 या फिर 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको आपका रिसाइज डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर जो भी आपका रिसाइज आपसे नहीं हो रहा होगा आप वहां से फ्रेंड्स रिसाइज कर सकते हो। जो प्रोसेस है रिसाइज करने की उन वीडियोस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फोटो सिग्नेचर कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप अपने फोन से फ्रेंड्स रिसाइज कर सकते हो। अगर आपसे प्रॉब्लम आती है रिसाइज करने तो बता दिया मैंने आपको, मेल पर आप डायरेक्टली सेंड करोगे और कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।